एलईडी थ्री टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो गामा आईसी होती है, इस गामा आईसी को हम सॉफ्टवेयर कैसे डाल सकते हैं, पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो गामा आईसी होती है या सॉफ्टवेयर आईसी है कि नहीं है, और नॉर्मल गामा आईसी कैसे पता कर सकते हैं, पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। गामा आईसी प्रोग्राम करना है, उससे पहले हमको पता करना होगा ये जो गामा आईसी है यह प्रोग्राम वाली आईसी है कि नहीं है, या जो आईसी है कैसे हम पता करें कि यह प्रोग्राम वाली आईसी है कि नहीं है। गामा आईसी का पता लगाना है कि वह प्रोग्राम वाली आईसी है कि नहीं है। देखिए, जिस आईसी में इस तरीके से अगर फीडबैक लगा होगा, जो रजिस्टर का फीडबैक लगा होता है, रजिस्टर से बनाई गई होती है, जो सर्किट होता है चैनल के हिसाब से होता है, 12 चैनल 14 चैनल चैनल के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें रजिस्टर लगा होगा, यानी अगर आईसी होगी उसमें रजिस्टर लगा होगा, वह जो आईसी होगी वह नॉर्मल आईसी होगी, और सॉफ्टवेयर आईसी वह होगी जिसमें आईसी होगी लेकिन क्या होगा उसमें फीडबैक में कोई भी रजिस्टर नहीं लगा होगा, वह रजिस्टर जो होगी वह खाली होगा, और वह जो होगी वह सॉफ्टवेयर वाली आईसी होगी, और उसमें जो होगा एससीएल और एसडीए पिन होगा, या जो एससीएल और एसडीए पिन होता है, एससीएल का मतलब होता है सीरियल क्लॉक इनपुट, और एसडीए का मतलब होता है सीरियल डाटा इनपुट और आउटपुट। एससीएल का मतलब होता है यह टाइम को निर्धारित करता है, किस समय पर क्या चाहिए उस हिसाब से क्या करता है, यह समय निर्धारित करता है, और उस हिसाब से एसडीए होता है ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए होता है, यानी ये हाली हाली लेन देन करने लगता है। जो एससीएल होता है ये समय निर्धारित हाली हाली करता है और देखता है कि किस हिसाब से जो समय के हिसाब से पहुंचाना है उस हिसाब से ये एसडीए पिन पहुंचाता है। यह सॉफ्टवेयर आईसी इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।